अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, आज आपने उर्दू बुक का पेज नंबर 27 रीड करना है। पेज नंबर 27 पे आपको हर्फ दिया गया है शीन, जिसके ऊपर तीन नुक्ते होते हैं शीन, जिसके ऊपर तीन नुक्ते शीन, ऊपर तीन नुक्ते, कौन सा हर्फ है ये? शीन। इधर आ जाए, यहाँ पे शीन की आधी शक्ल दी गई है। शीन, शीन, शाख, शाख कहते हैं पत्तों, ये पत्तों वाली टहनियाँ होती हैं ना जो दरख्तों पे लगी होती हैं, टहनियाँ उनको कहते हैं। शीन शाख, शीन शाख, शीन शेर, लाइन को शेर कहते हैं। शीन शेर, शीन शेर, शीन शुतुरमुर्ग, शीन शुतुरमुर्ग, शीन शुतुरमुर्ग, शीन अलिफ शाह, शीन की आधी शक्ल के साथ अलिफ लगाया तो क्या बन गया? शीन अलिफ शाह। शीन की आधी शक्ल के साथ वाओ लगाया तो क्या बन गया? शीन वाओ शो, शीन वाओ शो। शीन की आधी शक्ल के साथ छोटी ए लगाया तो क्या बन गया? शीन छोटी ए शी, शीन छोटी ए शी। शीन की आधी शक्ल के साथ बड़ी ए लगाया, शीन बड़ी ए शे, शीन बड़ी ए शे। शीन अलिफ शा, शीन वाओ शो, शीन छोटी ए शी, शीन बड़ी ए शे। शीन अलिफ शा, शीन वाओ शो, शीन छोटी ए शी, शीन बड़ी ए शे। ये कौन सा हर्फ है जिसके ऊपर तीन नुक्ते हैं? शीन, शीन, शीन। अब आपने ये अच्छे से लर्न करना है और अपनी मामा को सुनाना है। अल्लाह हाफिज़।